सीओ साहब, एक मामला आया है 376 को आधार बनाकर पैसा ऐठने का, उसमें कुछ महिलाएं जेल गई हैं, आशीष अधिवेटाओं का भी नाम सामने आया है, क्या ये मामला, पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पर मुकदमा अपराध संख्या 934/22 पंजीकृत किया गया है, जिसमें एक षड्यंत्र के माध्यम से 376 का आरोप लगाकर व्यवसायी से धन उगाही का प्रयास किया गया है। इसमें एक संजय गुप्ता स्वर्ण के व्यवसायी हैं, मेन चौराहे बढ़ौली पर, जिनके ऊपर एक नाबालिग कन्या से बलात्कार का आरोप लगाते हुए उनसे धन उगाही का प्रयास किया जा रहा था। महिलाओं की भूमिका क्या रही, जेल भेजा गया था कल? इसमें दो महिलाओं को जेल भेजा गया है, जिसमें एक उस नाबालिग लड़की की मौसी है और एक वास्तविक माँ है। जो मौसी थी वह वास्तविक माँ बन करके किरण नाम से कोतवाली पर आई, अपनी नाबालिग लड़की को लेकर के आई और उस नाबालिग लड़की के माध्यम से यह बयान और तहरीर दिलवाई कि ये संजय गुप्ता जो स्वर्ण व्यवसायी हैं, इनके द्वारा उसका बलात्कार किया गया। ये जिन अधिवक्ताओं का नाम सामने आया है, इसमें दो अधिवक्ताओं का नाम सामने आया है, एक महिला अधिवक्ता हैं आसमा रब्बानी और एक पुरुष अधिवक्ता हैं आरएस चौधरी। इनकी क्या रोल था उसने, ये क्या कर रहे थे? आसमा रब्बानी के ऊपर आरोप है कि इनके द्वारा संजय गुप्ता से स्वर्ण आभूषण की मांग की गई थी और न देने पर उनके ऊपर बलात्कार का मुकदमा लिखाए जाने की धमकी दी गई थी, और ये जो दो महिलाएं और ये नाबालिग कन्या है, यह इस ट्रैप का एक हिस्सा थे जिसके माध्यम से उनके ऊपर 376 का मुकदमा लिखाते हुए दबाव बना करके समझौता कराने की तर्ज पे उनसे धन उगाही का प्रयास किया जाता है। क्या दोनों अधिवक्ताओं की अभी गिरफ्तारी हुई है या फिर प्लान चल रही है? दोनों अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना हैं, बहुत शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।